प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपद के अधिकारियों को नए वर्ष की शुभकामना दी तथा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश का दौरा किया जा चुका है तथा प्रदेश में सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा एक सप्ताह के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए सभी अधिकारी चुनाव की तैयारी अच्छे से कर लें तथा कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए सतर्कता बरतें तथा रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाएं। उन्होंने चुनाव को देखते हुए कानून व्यवस्था का पालन करवाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने छुट्टा पशुओं को 10 जनवरी तक अभियान चलाकर छुट्टा गोवंशों को गो आश्रय केंद्रों में भेजने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए तथा सहभागिता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने छुट्टा गोवंशों को गो आश्रय केंद्रों पर पहुँचाकर ग्राम पंचायतों को छुट्टा गोवंशों से मुक्त कराने के लिए ग्राम प्रधानों एवं ब्लॉक प्रमुखों में प्रतिस्पर्धा कराने का सुझाव दिया और इसमें अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों एवं ब्लॉक प्रमुखों को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नहीं हो रही है वो सही, टीकाकरण तो हो गया है सर, कर्मचारियों का सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। इस मीडिया पे बात करने का एक प्रोटोकॉल है कि हम जब बात करें तो जो बात करेगा वही अपने को अनम्यूट रखेगा, बाकी सारे लोग अपने को म्यूट करके रखेंगे जिससे कि कहीं कोई किसी प्रकार का जो है क्रॉस टॉकिंग ना होने पाए। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। और आज साल का पहला दिन है तो हमारे जितने सारे अधिकारी यहाँ पे, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे हमारी ऑलरेडी मुलाकात हो रखी है और जिलों से जितने भी हमारे जिलाधिकारी, मंडलों से मंडलायुक्त, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आप डीआईजी साहबान, आईजी साहबान, एडिशनल डीजी साहबान, जितने सारे अधिकारी जुड़े हुए, आप सब लोगों को और आपके परिवार को सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये हमारी पहला वीसी है। मैं 30 तारीख को ही यहाँ पे मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया हूँ और अभी आने वाले समय में आपके पास में आऊँगा या आप यहाँ पे आएंगे तो हमारी और ज़्यादा आपसे पहचान होगी। आज की बैठक बुलाने का जो मुख्य मकसद है कि कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है और उसको तुरंत आप तक हमें पहुँचाना है जिससे कि उस पर ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकें। इसमें सबसे पहला बिंदु है इलेक्शन का। आने वाले समय में इलेक्शन, अभी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन यहाँ पे हमारे प्रदेश का दौरा कर चुका है, सारे के सारे आप लोगों के साथ उनका डिटेल में चर्चा भी हो चुका है। राज्य सरकार स्तर पे भी उन लोगों का, फॉर्चुनेटली मैं उस समय था जिसमें उसके राज्य सरकार से चर्चा हो रही थी तो इन सारी बातों को भी मुझे सुनने का मौका मिला और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद एक सप्ताह के भीतर इलेक्शन डिक्लेयर भी हो जाए। अब इस इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने और बहुत सारे इलेक्शन कराए होंगे लेकिन फिर भी जो खासकर चीज़ें होंगी उन चीज़ों को मैं जरूर रिपीट करना चाहूँगा सो दैट वो आपके संज्ञान में रहे। और ये इलेक्शन खास अवधि में हो रहा है इसलिए भी अभी हाल में आपने पंचायत के इलेक्शन कराए तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना हो। दूसरा जो है इसके बाद हम बात करेंगे अभी कोरोना का एक तीसरी लहर बहुत तेजी से आ रही है।